नीतीश कुमार ने पकड़ी मंत्री की गर्दन, जब टकराए पत्रकार और मंत्री के सर। सीएम नीतीश कुमार के कई बयानों पर बीजेपी बराबर चुटकी लेती है। वहीं सोमवार को गांधी मैदान के पास मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति शिव सागर राम गुलाम की जयंती के मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा किया जिसकी खूब हो रही है चर्चा। दरअसल श्रद्धांजलि के बाद नीतीश कुमार से पत्रकार सवाल पूछने पहुंचे थे। इस दौरान नीतीश कुमार अपने एक मंत्री अशोक चौधरी की गर्दन पकड़ी और उनके माथे को एक पत्रकार के माथे से टकरा दिया। नीतीश कुमार को ऐसा करते देख वहां सभी लोग हंसने लगे। इस वाक्य के समय वहां डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और वित्त मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद रहे। एक बार ये पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद बताएंगे कि पूरा माजरा क्या था। नीतीश कुमार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और मंत्रियों के साथ पत्रकारों के पास पहुंचे थे। सवाल जवाब का दौर शुरू होने से ठीक पहले ही नीतीश कुमार की नजर आगे खड़े एक पत्रकार पर पड़ी जिसने टीका लगा रखा था। मुख्यमंत्री ने जैसे ही टीका लगाए पत्रकार को देखा, वैसे ही पीछे पलटकर अपने एक मंत्री को ढूंढना शुरू कर दिया। वो मंत्री अशोक चौधरी को तलाश रहे थे, जो थोड़ा पीछे रह गए थे। दरअसल अशोक चौधरी ने भी टीका लगा रखा था। मंत्री जैसे ही वहां पहुंचे, सीएम ने पीछे से उनकी गर्दन पकड़ ली और खींच कर आगे ले जाने लगे। मंत्री अशोक चौधरी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। फिर नीतीश कुमार अपने मंत्री की गर्दन को पीछे से पकड़कर खींचते हुए उस पत्रकार के पास ले गए और फिर पत्रकार के माथे से अपने मंत्री के माथे को मिला दिया। नीतीश कुमार ने जो किया उस पर लोग खूब ठहाके लगा रहे हैं। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं? नीतीश कुमार का ये कारनामा देखकर आपको कैसा लगा? इसके बारे में अपनी राय कमेंट कर बताइए। और ऐसे ही तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप फॉलो कीजिए एबीपी लाइव।